दोस्तों नमस्कार। टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता यानी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शायद मेरे इस स्टेटमेंट से आप सभी सहमत हो। जब एक और दोस्तों ये डिपेंडेंसी बढ़ती है तो साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट्स का खतरा भी लगातार मानव सभ्यता पे बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से भारतीय जनता जहां पर इतनी बड़ी संख्या में किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, चाहे आप फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए या जीमेल पर जाइए, इतनी बड़ी संख्या में जब दोस्तों हमारे पास में यूजर्स हैं जो कि मेरे हिसाब से वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगी जो इतनी बड़ी संख्या में इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करती है, तो साइबर क्राइम्स का खतरा भी भारतीयों के लिए बहुत अधिक हो गया है। और न केवल अधिक हो गया है बल्कि प्रमाणित होता है डेटा से कि साइबर क्राइम्स ने हमें किस प्रकार प्रभावित किया। आज की इस वीडियो के थ्रू दोस्तों साइबर क्राइम के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मेरा कंसंट्रेशन है आपका ध्यान आकृष्ट करना कि साइबर क्राइम्स वर्तमान में वन ऑफ द ऑल टाइम हाई लेवल पर आ गए और इससे भी ज्यादा आने वाले समय में बढ़ेंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में साइबर क्राइम को कैसे समझा जाए, साइबर क्राइम से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, यदि किसी के साथ साइबर क्राइम हुआ हो तो उसको कौन से रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर के अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट करनी है, इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के मैं सी अनु भाटिया इस वीडियो से आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों रिसेंटली मैंने एक न्यूज पढ़ी, उस न्यूज का टाइटल था जो मैंने यहां पर अपने इस स्लाइड के टाइटल में लिखा है, इंडियंस लॉस्ट ओवर 750 करोड़ टू साइबर फ्रॉड। एक बार की पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि अनुप जी इतना बड़ा फिगर, दोस्तों ये कितने साल का फिगर है, ये कितने वर्षों में जाकर के भारतीय लोगों के 1750 करोड़ रुपए की चपत लगी है। इस न्यूज को पूरा पढ़ने की कोशिश करता हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स में 27 मई 2024 को एक खबर छपती है, इन फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2024 विथ ओवर 7,40,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी 2024 के प्रथम 4 महीनों में 7,40,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये वो जो डेटा है, ये डेटा है जो ऑफिशियल डेटा है क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इसे बता रहा है। और आप यदि ये भी समझें कि हो सकता है 30% 40% तो कंप्लेंट्स ऑनलाइन दर्ज ही नहीं हुई होंगी, तो जो दर्ज है वो फिगर अगर 7,40,000 मात्र 4 माह का है तो आप समझिए साइबर क्राइम्स किस हद तक भारतवर्ष में प्रिवेल कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग टेबल आपके सामने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए रखता हूं कि जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं दोस्तों, 2019 में जो पोर्टल पर केस रिपोर्ट हुए थे वो थे 26,000 लगभग, 2020 में उनकी संख्या 2,57,000 हो गई, 2021 में 4,52,000 हुई, 2022 में 9,66,000, 9,66,000, 2023 में पूरे साल की संख्या थी ऑनलाइन कंप्लेंट्स की साइबर क्राइम्स में 15,56,000 इन इंडिया, और 2024 के प्रथम 4 महीनों में संख्या पहुंच गई है 7.5 लाख के आसपास, 7.4 लाख अप्रोक्सीमेटली। आप समझिए दोस्तों साइबर क्राइम कितना विकराल रूप लेता चला जा रहा है। तो कितना बड़ा चैलेंज हम टेक्नोलॉजी के इस युग में फेस कर रहे हैं उसका एक उदाहरण ये टेबल के रूप में आपके समक्ष हाजिर है। जरा इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि ओके अनूप जी, अगर आप साइबर क्राइम्स की बात करते हो तो इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। मैं एक बहुत संक्षिप्त रूप में यहां अपनी बात आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, मैं एक एक टाइप को नहीं डिस्कस करूंगा। आपके समक्ष अगर मैं फिनेंशियल टर्म्स में ही बात करूं तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं इन दिनों, ऑनलाइन गेमिंग संबंधी फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, एल्गोरिदम मैनिपुलेशन संबंधी फ्रॉड्स भी भारतवर्ष में चल रहे हैं, इलीगल लेंडिंग एप्स हमारे यहां पर बहुत चलते हैं जिसकी वजह से लोग कहीं पर पैसा उठा करके फंस जाते हैं और बाद में एक तरीके का साइबर क्राइम रिपोर्ट करना होता है, सेक्सट्रॉर्शन से संबंधित फ्रॉड्स भी भारतवर्ष में इस समय बहुत प्रिवेल करते हैं, ओटीपी फॉरवर्ड तो एक कॉमन समस्या है जो आप समझते हैं कि हमें
ओटीपी देना नहीं था, ओटीपी दे दिया, इधर ओटीपी दिया, और ओटीपी देते ही खाते से पैसा साफ। तो आप समझिए दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स हैं, ये कोई अंतिम लिस्ट नहीं है, इसमें भी और कुछ चीजें जुड़ सकती हैं जो आज की डेट में इंडियन मार्केट में एटलीस्ट प्रिवेल कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मेरे दिमाग में यह प्रश्न आया, हु प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन इंडिया ऑन साइबर क्राइम्स, कि जरा हम अपने यहाँ के एक फ्रेमवर्क को भी समझे कि भारतवर्ष में कौन यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्योंकि इसमें चार सी हैं, तो इसका नाम हुआ I4C। तो I4C जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो लुक आफ्टर करता है टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर लीगल एनफोर्समेंट एजेंसीज टू डील विद साइबर क्राइम्स इन इंडिया। तो ये जो I4C संस्था है दोस्तों, ये संस्था या ये सेंटर अपने आप में एक लीगल फ्रेमवर्क का कोऑर्डिनेशन का काम करता है रिगार्डिंग साइबर क्राइम्स इन इंडिया। जब मैं और तह में गया तो मुझे पता चला कि ओके साहब, ये व्हाट I4C नाम का ये जो सेंटर है या संस्था है, ये क्या कर रही है? इट्स वर्किंग विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस DFS, बैंक्स, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU, फिनटेक कंपनीज ऑन यूज ऑफ म्यूल अकाउंट्स। ये म्यूल अकाउंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा कि मैंने किसी भी व्यक्ति का XYZ का कोई खाता खुला लिया और उस खाते में ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, उस व्यक्ति तक को पता नहीं। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे यहाँ पर होते हैं कि जब अल्टीमेटली तह में जाकर के संस्थाएं पता चलाती हैं इन्वेस्टिगेशन, तो पता चला कि साहब अनु भाटिया ने XYZ का नाम यूज करके कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे एब्यूज ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बाय साइबर क्रिमिनल्स प्रेजेंटली दोस्तों किया जा रहा है, और I4C जो संस्था है वो इन्हीं सब एजेंसीज के मध्य कोऑर्डिनेशन करके साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए अपने प्रयास कर रही है या उसमें अपने एफर्ट्स डाल रही है। अब मान लीजिए दोस्तों, खुदा ना खास्ता किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया, तो उसे पता तो चले कि उसे करना क्या है। तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि एक FIR दर्ज कराने जाए, लेकिन भारतवर्ष में किसी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराना आसान काम नहीं। हालांकि इट डज नॉट मीन कि मेरा पुलिस में फेथ नहीं है, पर मैं आपको एक सॉल्यूशन ये भी दे रहा हूं कि ये एक आपके पास में https://www.cybercrime.gov.in पोर्टल है, आपको इस पोर्टल पे जाना है। ये पोर्टल आपको अगर आप देखेंगे तो यहां पर रजिस्टर अ कंप्लेंट का ऑप्शन देती है, तो आप यहां पर जाकर के अपनी कंप्लेंट को भी दोस्तों रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्रैक योर कंप्लेंट का ऑप्शन यहां पर आपको मिलेगा, कुछ और भी यहां पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जिनको आप अपनी जरूरत अनुसार एक बार चेक करके, एटलीस्ट अगर किसी साइबर क्राइम से हम स्वयं या हमारे कोई रिलेटिव्स, हमारे कोई फ्रेंड रूबरू हुए हैं, तो यहां पर जाकर के आप साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मुझे यहां पर दिखी कि ये जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसके लर्निंग कॉर्नर के अंदर एक FAQs का ऑप्शन मुझे दिखाई दिया। तो मैंने कुछ FAQs पढ़े भी और उससे मेरा और ज्ञानवर्धन हुआ कि ओके साहब, अगर मैं इस पोर्टल के थ्रू किसी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करता हूं तो मेरे अधिकार अथवा मेरे दायित्व क्या क्या हैं। तो आप भी इन FAQs को एक बार देख सकते हैं अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको कहा कि कुछ FAQs मैंने भी पढ़े अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए, केवल FAQs रख रहा हूं, आंसर नहीं दूंगा, कि फ्यू इंपॉर्टेंट FAQs विच आर आंसर्ड ऑन द पोर्टल आर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स वन कैन रिपोर्ट ऑन द पोर्टल, वॉट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड आई प्रोवाइड टू रिपोर्ट द कंप्लेन, विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी शेल आई सिलेक्ट वाइल रिपोर्टिंग अ कंप्लेन, वॉट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी कंसिडर्ड एज एविडेंस वाइल फाइलिंग माई कंप्लेन रिलेटेड टू द साइबर क्राइम, कैन आई चेक द स्टेटस ऑफ माई कंप्लेन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने एक कंप्लेन करी और मैं उसका स्टेटस भी चेक करना चाहता हूं, कैन आई विड्रॉ माई कंप्लेन फ्रॉम द पोर्टल, क्या मैं अपनी कंप्लेंट जो पोर्टल पे करी है उसको विड्रॉ भी कर सकता हूं, मेरी ओपिनियन में प्राइमा फेसा इसका उत्तर ना है। तो आप सर इन सारे क्वेश्चंस का उत्तर भी इस पोर्टल के थ्रू जान सकते हैं।
नेचुरली दोस्तों, जब मैं साइबर क्राइम्स की बात करता हूं या उस पर अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करता हूं, तो मेरी ये चर्चा तब तक अधूरी है जब तक मैं आपको इस विषय में कुछ समाधान ना बता दूं। हालांकि दोस्तों, मैं स्वयं कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मैं अपनी स्टडी से समझ पाया, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहां पर आपके समक्ष रख रहा हूं। आप उन पर और गहन अध्ययन करिएगा ताकि आप भी एक तरीके से तैयार रहें कि किसी प्रकार के साइबर अटैक का हिस्सा हमें नहीं बनना है। सो फ्यू टिप्स टू रिमेन सेफ फ्रॉम साइबर अटैक्स आर बी केयरफुल अबाउट ईमेल्स और मैसेजेस फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेस। अनट्रस्टेड सोर्सेस के लिए बहुत सी बार आपको कोई मेल भी आती है तो उसमें आता है कि दिस मेल लुक्स अनसेफ, तो आपको उस मैसेज को ध्यान से पढ़ना है, और अगर आपको लगता है कि वो अनसेफ है तो आपको ट्रैश में रिलेवेंट मेल को डाल देना है, डिलीट कर देना है। आपको देखना है कि मुझे किस सोर्स से मेल आ रही है। अवॉइड इंस्टॉलिंग एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस। हम कई बार ऐप अपलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल में, तो वो ऐप जो हम अपलोड कर रहे हैं, कई बार बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, गेमिंग ऐप होते हैं, वो उसको हमारे मोबाइल में अपलोड कर लेते हैं। आपको देखते रहना चाहिए समय समय पर कौन से ऐप आपके अपलोड हो रहे हैं मोबाइल में। अगर बच्चे भी आपका मोबाइल यूज करते हैं तो डोंट इंस्टॉल पायरेटेड और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर्स के केस में कई बार हम नेचुरली पैसे बचाने के लिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं, उनको यूज करते हैं, तो उनसे भी हमारी साइबर सिक्योरिटी रिस्क स्टेक पर रहती है। सिक्योर योर ऑनलाइन अकाउंट्स, अपने ऑनलाइन खातों को, पर्टिकुलरली नेट बैंकिंग को बचाना दोस्तों एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसके प्रति आपको सतर्क रहना है। नेवर सेव योर लॉग इन क्रीडेंशियल्स ऑनलाइन। कई बार आपसे, चाहे गूगल हो या कोई भी पर्टिकुलर आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वहां पर आप कोई पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि भाई इस पासवर्ड को हम सेव कर लें ताकि भविष्य में आप काम में इसको ले सकें। तो मेरा मानना है दोस्तों, वहां पर अगर हम ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्रेडेंशियल्स अगर वहां सेव हो गए और किसी हैकर ने वो क्रेडेंशियल्स को वहां से पिक कर लिया। हालांकि मैं पुनः बोलूंगा, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मैं सीखा हूं वो बात जनता जनार्दन के भले के लिए यहां रखना चाहता हूं। कि बैकअप ऑफ योर डेटा। बहुत सी बार ऐसा भी हुआ दोस्तों कि हमने डेटा नहीं रखा, और ये जो साइबर हैकर्स होते हैं, ये किसी कंपनी के केस में, कॉमर्शियल एंटिटीज में ऐसा बहुत करते हैं कि उस एंटिटी का डेटा एक तरीके से हैक कर लेते हैं और फिर उस डेटा को देने के लिए अमाउंट चार्ज करते हैं। तो बहुत दिमागी लोग हैं दोस्तों, उनसे बचने के लिए अगर आपने कोई डेटा बैकअप रखा है तो आप कह सकते हैं, भैया मेरे पास डेटा है, मेरे को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। डिलीट अनवांटेड अननेसेसरी एप्स और डेटा फ्रॉम डिवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर रिव्यू करिए। अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा पॉइंट है। हम लोग कहीं भी जाते हैं और डेटा आज के डेट में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, चाहे होटल में जाएं, रेलवे स्टेशन जाएं, एयरपोर्ट जाएं, तो हम पब्लिक वाईफाई भी ढूंढते हैं, एक्सेस भी करते हैं। बट व्हेन वी आर यूजिंग पब्लिक वाईफाई, वी आर सर्टनली एट अ रिस्क ऑफ साइबर अटैक। सो वन हैज टू बी केयरफुल ऑन दैट। यूज सोशल मीडिया एप्स केयरफुली। नो डाउट आप सबकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब तरीके से हम घिरे हुए हैं इन मीडिया ऐप से भी। तो इन मीडिया ऐप से भी कैसे हमारे को क्या चीज वहां पर अपलोड करनी है, क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, क्या नहीं करनी है, मुझे लगता है दोस्तों इसके प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। अंत में दोस्तों, नेचुरली एक क्वेश्चन मुझे भी ये आया था जब मैं वीडियो बनाने लगा था, कह रहे अनुप जी आप तो इनकम टैक्स पर बोलते हो या फिनेंशियल इकोनॉमिक से रिलेटेड अपडेट्स पर बात करते हो, तो आज साइबर अटैक पर आपने कैसे बात करनी शुरू कर दी या साइबर क्राइम्स पर कैसे बात करनी शुरू कर दी? दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई, विशेष रूप से सीनियर सिटीजन के केस में मैंने देखा कि पासवर्ड शेयर करने से, ओटीपी शेयर करने से, किसी पर गलत रिलाई करने की वजह से उनका खाता साफ हो जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं जब मैं पढ़ता हूं या और भी साइबर क्राइम्स में पढ़ता हूं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि टेक्नोलॉजी में उतना अपडेट नहीं होने की वजह से बहुत से लोग टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं और उन्हें बहुत सा फाइनेंशियल नुकसान, या बहुत सी बार यहां तक कि आपको किसी सेक्सुअल एक्सटॉर्शन के केस के अंदर भी बहुत सी बार पैसे देने पड़ गए, बाद में पुलिस के चक्कर काटने पड़े। तो इस तरीके की चीजों से दोस्तों कैसे बचा जाए, ये जनता जनार्दन के लिए बहुत बड़ा विषय है। आप इसे स्किप नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं,
और आई होप जो कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने यहां पर किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.